हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वामीनारायण खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने जितने राइस लिए हैं उतनी दालें ली हैं और सब्जियां हमने 100-100 ग्राम तक ली हैं। हमने 150 ग्राम राइस लिए हैं तो दालें हमने 50-50 ग्राम तक तीन दालें ली हैं, मूंग दाल, चना दाल और तुवेर दाल। तुवेर दाल हमने ऑयल बगैर की ली है और सब्जियाँ हमने सभी 100-100 ग्राम तक ली हैं। आप इसमें सभी सब्जियाँ डाल सकते हैं। अब चना दाल और राइस को हम भिगो के रखेंगे। आप इसमें बासमती चावल, जीरा राइस या फिर कोई भी चावल ले सकते हैं। हमने खिचड़ी के चावल लिए हैं जो हमारे मूंग दाल के साथ मिक्स ही रहते हैं। अब इसे सोक करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे, सोक करने के लिए रख देंगे। ये सब्जियाँ ली हैं हमने, दो बार अच्छे से धो के लेनी है। टोमेटो, ब्रिंजल, पालक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, पोटैटो, पीस, रो टोमेटो, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, सभी सब्जियों को अब चॉप्ड कर लेंगे। ये सोक हो गए हैं चावल हमारे दालों के साथ जो हमने भिगो के रखे थे। कुकर में हम ऑयल लेंगे, 150 ग्राम तक हम ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। 1 टीस्पून हींग डालेंगे और जीरा भी। टमाटर चॉप्ड ग्रीन चिली के साथ डाल लेंगे। सभी सब्जियों को हमें चॉप्ड करके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इसे अच्छे से फ्राई करना है, भुनेंगे तभी ये खिचड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। पहले टमाटर 1 मिनट के लिए भुनेंगे, उसके बाद सारी सब्जियाँ एक एक करके डालते जाएंगे और भुनते जाएंगे। सभी के हमने पीसेस कर लिए हैं, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, कोबीज, पीस, पालक, सभी डालते जाएंगे और भुनते जाएंगे। इसमें भुनना जरूरी है, भुनेंगे तभी इसका टेस्ट बढ़िया रहेगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं मगर भुनेंगे तभी इसका टेस्ट बढ़िया रहेगा। कॉलीफ्लावर हमने ज़्यादा डाली है इसमें और उसके पीसेस भी बड़े किए हैं। पीस, पालक सभी को चॉप्ड करके डालना है और भुनना है इसे। जितना अच्छी तरह से भुनेंगे उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया रहेगा। अब नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट मुताबिक डालें। मैंने 2.25 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। रेड चिली पाउडर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। अगर आप चाहें तो न डालें तो भी इसका टेस्ट बढ़िया ही रहेगा। टर्मरिक पाउडर इसमें बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये येलो होती है खिचड़ी जो बनती है स्वामीनारायण, वो येलो होती है। इसमें टर्मरिक पाउडर हमने 1 टीस्पून डाला है और अब इसे भुनना है। भुनने के बाद इसमें ये राइस और दालें जो हमने रखी थी भिगो के, उसे 3 बार अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद पूरा पानी निकाल लेना है, उसके बाद ही इसमें कुकर में डालेंगे और ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो पानी है रह गया है वो सोक कर लेंगे। जो सोक करके रखे हैं दाल और चावल वो उसमें डाल देंगे और फिर से इसे भुनेंगे। जब तक ऑयल ना निकल आए तब तक इसे भुनेंगे। चावल में जो पानी था थोड़ा वो भी इसमें गया है, वो भी सोक होना चाहिए और जो सब्जियों में है वो भी सोक होना चाहिए। जब तक ऑयल ना निकल आए तब तक इसे भुनेंगे। उसके बाद पानी डाल के और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अगर आप फुल फ्लेम पे रखेंगे तो दालें इतनी आसानी से नहीं गलेंगी। आप मीडियम फ्लेम पे ही रखें, कोई भी आप खिचड़ी बनाते हैं तो उसे मीडियम फ्लेम पे ही रखें। 2-3 विसल में ही वो आराम से बन जाएगी और गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद 20 से आधे घंटे तक ऐसे ही कुकर में रहने दें, उसके बाद ही कुकर खोलें। ये हमारी बुन चुकी है खिचड़ी। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 1.5 लीटर तक अब इसमें पानी डालेंगे, 1.5 लीटर पानी डालेंगे। अगर आप कोई भी खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें 100 ग्राम पे आधा लीटर पानी चाहिए। इसमें हमने 300 ग्राम खिचड़ी ली है,
150 ग्राम राइस और दालें 150 ग्राम 300 ग्राम हुए तो उसके हिसाब से इसमें हम 1.5 लीटर पानी लेंगे, तभी ये अच्छे से बनेंगी। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी ये सही नहीं बनेंगी, बहुत ही पतली हो जाएगी, और कम पानी डालेंगे तो भी ये कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसमें पानी भी सही मात्रा में ही डालना है। अब हमने पानी डाल दिया है, अब कुकर को बंद कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे रख देंगे और 2 से 3 विसल लगा के उसके बाद गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और 20 से 1/2 घंटे के बाद ये हमारी रेडी हो जाएगी स्वामीनारायण खिचड़ी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी इतनी ही बनती है, ये कंप्लीट फूड है। आप किसी भी एज के हों ये बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है खिचड़ी, स्वामीनारायण खिचड़ी, टेस्टी एंड हेल्दी। ये खिचड़ी देखने में जितनी बढ़िया लग रही है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस है और हेल्दी भी उतनी ही है। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है स्वामीनारायण खिचड़ी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।